को ले आते। अच्छा लिस्ट कहाँ है? लिस्ट ले। माननीय उपसभापति जी, बोलिए। माननीय उपसभापति जी, आपने जो समय दिया बोलने के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, और वो ये ले। किसानों की स्थिति ऐसी है, उन्हें हमेशा कुदरत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आप अपने आप चुप हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे? तो लगातार मैं कह रहा था कि किसानों को हमेशा कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। कब ज़्यादा बारिश हो जाए, कब ओले पड़े, कब बाढ़ आ जाए, ये स्थिति रहती है किसानों की। और जब से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, दुष्प्रभाव शुरू हुए हैं, तब से स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी पिछले 2-3 दिन से ऐसे वक्त बारिश हो रही है बेमौसम, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ है और बहुत बड़े इलाके में, मेरी समझ से पूरे देश में ये बारिश हुई है। हमने जितना देखा है, ये वो समय है जब आलू खेतों में या तो खुदा हुआ बाहर पड़ा हुआ था खुले में, या कुछ ही दिनों में खुदकर वो कोल्ड स्टोरेज में पहुंचना था। लाखों टन आलू बर्बाद हो गया है। किसान के खेतों में जो है अभी आलू, उसमें पानी भरने से उसके सड़ने की पूरी संभावना हो गई। बहुत तेज हवा चलने की वजह से जो गेहूं की फसल थी, जिसमें बाली आ चुकी थी, वो भी गिर गया है, और जिसमें बाली आने को थी वो भी पूरी तरह से गिर गया है। गेहूं की फसल के गिरने से पैदावार पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। और मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ जिला अधिकारियों से बात की, कुछ उनके वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, उनसे बात की, तो उनका एक अनुमान है कि इस बारिश से कम 50% गेहूं और 50% से भी ज़्यादा आलू की फसल के नष्ट होने की संभावना है। और केवल आलू और गेहूं ही नहीं, जो बुंदेलखंड की तरफ चना था, अरहर की फसल थी या सरसों की फसल थी, सरसों तो लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी, पकने को थी सरसों, वो खेत में ही वो चटक जाती है और सारी सरसों झड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ये स्थिति है जिसमें किसान की स्थिति ये हो गई है, इस तरह की हो गई है जैसे किसी आदमी के सामने से, भूखे आदमी के सामने से थाली उठा के कोई लिए चला जाए। कुदरत का कहर इतना ज़बरदस्त हुआ है और इसका कोई अनुमान नहीं था, और अनुमान होता भी तो ये आदमी के बस की बात नहीं। हम जो कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो कर सकती है, वो केवल मदद कर सकती है। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सरकार, अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ किसानों की और बहुत सारी बातें कह के गए हैं, किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई स्पेशल पैकेज किसानों के लिए निर्धारित करें,
और जब तक ये नहीं होगा तो किसान बिल्कुल भूखों मरने की स्थिति में हो जाएगा। और जो कर्ज हैं उनका या तो कुछ कर्ज माफ किया जाए या कुछ दिनों के लिए इस कर्ज को की वसूली को रोक दिया जाए, उस पर कोई ब्याज न दिया जाए। ये अगर हो जाता है तो थोड़ी सी राहत मिलेगी किसान को, वरना वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बहुत अच्छी इस बार फसल थी, उम्मीद ये की जा रही थी, किसानों के चेहरे खिले हुए थे कि बहुत अच्छी पैदावार होगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन कुदरत के इस कहर ने, बेमौसम की इस बारिश ने बहुत ज़बरदस्त उनका नुकसान कर दिया है। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि किसानों को उनकी फसल का जो नष्ट हुई है फसल का, उसका मुआवजा दें। और इसीलिए हम लोगों ने हमेशा मांग की, यहाँ से जो कृषि संबंधी स्थायी समिति है उसने हमेशा ये कहा कि फसल की बीमा की व्यवस्था की जाए, लेकिन फसल बीमा योजना को जिस प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए था उस तरह से किया ही नहीं गया। लागू भी किया गया तो ये शर्त लगा दी गई 50% से ज़्यादा अगर फसल नष्ट हो तब ही उस पर विचार किया जाएगा, उसको कुछ मुआवजा दिया जाएगा। प्रीमियम उसका इतना ज़्यादा किया गया कि किसान उसको कर नहीं सकता था। किसान क्रेडिट कार्ड जिसके पास है सिर्फ वही उससे कवर होता था, उसमें भी ज़्यादा प्रीमियम की वजह से किसान उसको उससे लाभान्वित नहीं हो सकता था। तो फसल बीमा योजना में कोई राहत वाली बात करें, कोई इस तरह की योजना लागू करें जिससे ज़्यादातर किसान उससे कवर हों, और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जो नुकसान होता है अचानक किसान का, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार कोई रास्ता निकाले, कोई पैकेज दे और उनकी मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू।